गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम पहुंच गए हैं अपने रूटीन वर्क में। हम यात्रा कंप्लीट करके आ चुके हैं और अब दुकान आए हैं। अब करवा चौथ का काम करते हैं। बहुत हुआ घूमना फिरना, अब करते हैं काम। और काम का जोर भी है, करना भी पड़ेगा, सीजन टाइम है। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घूमना फिरना भी तभी होगा जब काम करेंगे। तो फिर अब हम रिचार्ज हो जाए चाय पी के। हेलो, बाद में डालूंगी मैं इसमें। गाइस, आज हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं शिमला घूमने के लिए। शिमला घूमने भी जा रहे हैं। तो मैं जा रही थी शिमला और मुझे रास्ते मिल गई रेनू। तो मैं रेनू और मैं बस स्टैंड तक साथ आए। उसके बाद वो चली गई अपने ऑफिस और मैं गई अपनी फ्रेंड के रूम। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को वेट कर रही हूँ, वो तैयार हो रही है, पर 10 घंटे लगाएगी तैयार होते हुए। देखना, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैं अपनी दुकान से यहाँ तक पहुँच गई और ये अभी तक तैयार नहीं है। मेरे थोड़ा सा काम कर लेती हूँ फिर चलते हैं। हम दोनों जाएंगे अभी शॉपिंग करने। हमने करवा चौथ की शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, फिर मैं घर दुकान जाऊँगी। आज हम शॉपिंग करेंगे शिमला में, और सारी शॉपिंग इनकी तरफ से। क्यों? क्योंकि इनका व्रत का उद्यापन, ये पूरी शॉपिंग कराएंगे आज। मेरे पूरा दिन हम शिमला में मजे करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐसा करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे शिमला जाकर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है एक अनोखा फूल। अनोखा फूल मीन्स ये फूल जो है नीचे की तरफ खिलता है और इसकी टहनी जो होती है खड़ी होती है, लेकिन ये फूल नीचे की तरफ झुक के खिलता है, ये ऊपर की तरफ नहीं खिलता है। तो मैंने अजीब सा अनोखा सा फूल देखा ये। तो मैं पहुँच गई हूँ दुकान, और दुकान पहुँच के अब करूँगी थोड़ा सा काम, क्योंकि लेट भी हो गई हूँ, लंच का टाइम भी हो गया है और शिमला में बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो अब मैं सोच रही हूँ लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो शिमला में बहुत अच्छी रौनक लगी है करवा चौथ की, दिवाली की। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने फटाफट शॉपिंग की और हम लोग निकल के वापस आ गए। तो वो देखिए, वहाँ पर इतना सारा सामान पड़ा है। मैं और मेरी फ्रेंड सारी शॉपिंग करके आए और अब मैं इसको पैक करके रख देती हूँ, ताकि शाम को भी मैं लेट हो जाती हूँ, कस्टमर आते हैं तो फिर सारा ताम झाम बिगड़ जाता है। फटाफट मैं अभी सेटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कस्टमर का काम करती हूँ। मुझे कॉल आई थी, वो 2 बजे आएगी, तब तक मैं लंच कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? अर्नब। अर्नब नाम लगा रहा था। क्यों? आपकी दुकान को सिर्फ आपसे मेरी दुकान को गंदा किया है जी। किसने किया गंदा? लोगों ने। हाँ। वो तो आप तो यार स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, झाड़ू तो मुझे रोज लगाना पड़ता है, आप क्यों लगा रहे हो? सब लगा सकते हैं झाड़ू, है ना? हाँ। ऐसा कोई नहीं भी लड़के नहीं लगाते झाड़ू। गुड बॉय होते, गुड बॉय होते, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब घर में आप ही झाड़ू लगाते होगे? मम्मा ने लगाती है ना? नहीं लगाती। लगाती है? और पापा? पापा लगाते हैं। पापा बर्तन भी धोते हैं? पापा बर्तन भी धोते हैं? बर्तन धोते हैं पापा? सब गांव में लगाते हैं। गांव में लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप जो पी रहे हैं? दस की। क्या? दस की कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक है? किसने दी आपको कोल्ड ड्रिंक? अंकल है। अंकल है? नहीं तो मुझे भी दे दो आप। थैंक यू, थैंक यू। आप पियो। कितने की आती है ये? 500 की। बहुत सस्ती होगी आजकल। सस्ती होगी है ना? ना जी। कितने की सस्ती होगी ये? 5
500 हुई है, सस्ती होगी इनके जमाने में। चल ठीक है फिर, पियो आप कोल्ड ड्रिंक, बाय बाय कर दो। बाय। तो अब हो गई हूँ मैं फ्री काम करके। फ्री तो क्या मतलब, अभी जो कस्टमर आई थी, दो कस्टमर मैंने अटेंड की, तीसरी की मैंने कटिंग की, और तीन कस्टमर अटेंड करके अब मैं फ्री हुई हूँ। मैं शिमला भी जाके आ गई, तो मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ अब। और मैं अब शॉपिंग शॉपिंग भी कर ली थी जैसे कि शिमला जाके, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।